सावरी तुम क्या बात कर रही हो? भाभी कल अक्षत का बर्थडे था फिर भी वो लोग नहीं आए। भाई देख लो, मुझे तो लगता है कि पहले अर्पिता के मम्मी पापा को यहाँ आना चाहिए, बाकी बाऊजी जी से आप बोलो। बाऊजी हमारे यहाँ की यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि इस घर में बेटी और बहू के बीच में कोई फर्क ही नहीं किया जाता, इसीलिए मैं भी बुआ जी की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। आप कितने आराम से आते जाते हैं ना बुआ जी अपने मायके, कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं है इस घर में, मायका और ससुराल दोनों एक बराबर। और फिर फॉर्मेलिटी तो होनी भी नहीं चाहिए ना बाऊ जी, सास ससुर भी तो मम्मी पापा ही होते हैं ना, और फिर अपने ही मम्मी पापा से फॉर्मेलिटी कैसी। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे मम्मी पापा तो कभी भी आ सकते हैं, वो बेचारे थके हुए हैं ना ट्रैवल करने के बाद, इसलिए मैं ही उनसे मिलाती हूँ। मैंने कुछ गलत सोचा बाऊ जी? नहीं नहीं बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अर्पिता बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा जा, बेटा तू अच्छे से जा, अपने मम्मी पापा से मिलना और उन्हें हमारी तरफ से आमंत्रण देना कि यहाँ कितने दिनों से नहीं आए, हमें याद आ रही है उनकी। जी बाऊजी जरूर। ढोक बाऊजी। जी जी ढोक, खुश रहो। ढोक मम्मी बस पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। दुपट्टा शायद किसी और पर इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना कि आप पर लग रहा है। मुझे दुपट्टा गिफ्ट करने के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्यों? आपने भी तो उस मूर्तिकार की खुशी के लिए कितने सारे पॉट्स बनाए थे, क्या मैं आपकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? आपको ये दुपट्टा बहुत पसंद था। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसके बदले मुझे कुछ और चाहिए। इसका खत्म ही नहीं होता, अब और क्या चाहिए इसको? आपके दो मिनट वो कहने के लिए जो मैं कहना चाहता हूं। राज प्लीज दो मिनट मुझे अवनी से अकेले में बात करें। या श्योर। थैंक यू। अवनी कल मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आप बीच में छूट के चली गई थी। अवनी मेरी चार गर्लफ्रेंड्स थी, उनमें से दो मेरी स्कूल क्लासमेट थी और तीसरी गर्लफ्रेंड मेरे बिल्कुल घर के पास रहती थी, तब मैं 11th में था। लेकिन दो चार महीने के बाद उसे कोई और लड़का पसंद आ गया और चौथी गर्लफ्रेंड मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई और ब्रेकअप हो गया। और मैं खुश हूँ कि ब्रेकअप हो गया, और अगर नहीं हुआ होता तो आज इस तरह अखाड़े में खड़ा होकर मैं आपके लिए दुपट्टा नहीं जीत पाता। मैं मूर्ति लेकर आती हूँ। आंटी आपको मूर्ति साबित करने से पहले भोग लगाना होगा ना, और उसके लिए आपको प्रसाद बनाना होगा। नहीं राज, सबसे पहले पूजा कर शुद्धि करते हैं, कुमकुम चावल मिलाकर उस पर मूर्ति रखते हैं और फिर कान्हा जी के मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद प्रसाद भोग लगाया जाता है, है ना आंटी जी? वाह, आप ये सब भी जानते हैं? ये प्रोड्यूसर है कि पंडित, ऐसे कर्मकांड बता रहा है जैसे कोई पुजारी हो। लोग ना यूं ही कहते हैं कि तुम लोगों की जेनरेशन को कुछ नहीं आता जाता, लेकिन मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि तुम तो सारे रीति रिवाज जानते हो। चलो अच्छा है, मेरे काम के बहाने तुम सब ने एंजॉय भी तो किया। भाभी इन सब ने तो एंजॉय कर लिया, लेकिन हमारा क्या, हमारा नंबर कब आएगा? एक आइडिया है, क्यों ना कि हम सब कहीं बाहर चले। हाँ बुआ जी बहुत अच्छा आइडिया है ना? लेकिन बुआ जी एंजॉय करने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर पे भी तो कर सकते हैं, जहाँ हम वहाँ फन। घर पे मगर कैसे? मूवी नाइट कर सकते हैं, एक साथ बैठकर सब अच्छी सी मूवी देखेंगे, फैमिली प्लस मूवी प्लस पॉपकॉर्न प्लस कोल्ड ड्रिंक, टोटल फन। वाओ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया तो अच्छा है मगर इसमें बहुत तामझाम है ना, मेरा मतलब है प्रोजेक्टर लगाओ फिर स्पीकर लगाओ, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट वरी मैं कर लूंगा। हम तीनों मिलकर कर लेंगे। अब राज तुम्हें आज यही रुकना है, ठीक है, साथ में मूवी देखेंगे। हाँ रुकूंगा ना। चलो फिर ठीक है, काम पे लग जाओ जल्दी से, घर पे भी मूवी लेट नहीं स्टार्ट होनी चाहिए।
आई एम वेरी पर्टिकुलर. समर्थ कहाँ है? वो लेटर फिक्स कर रहा है हॉल में. राज, समर्थ कितना इंटेलिजेंट है ना, इतना बड़ा बिजनेस संभालता है और घर के छोटे छोटे काम भी कर लेता है. देखो प्रोजेक्टर लगा रहा है. उसे तो पता नहीं था कैसे लगाते हैं, मैंने ही उसे सिखाया. अच्छा, लेकिन वो तो टीवी वाला है ना, तो उसे कैसे नहीं पता. तुम्हें क्या लगता है, अपनी कंपनी के सारे काम वो खुद करता होगा? वो सिर्फ बॉस की चेयर में बैठता होगा और ऑर्डर मारता होगा, सारा काम तो उसके एम्प्लॉइज करते होंगे. पर एटलीस्ट वो कोशिश तो करता है सीखने की. आई मीन ईगो नहीं है, उल्टा पावर है, गट्स है. ये लो, फिर समर चालीसा शुरू हो गई. कान्हा जी, कब फूटेगा सैम के ऑपरेशन का गुब्बारा? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं अमनी, मैं बस सोच रहा था कि आज समर ने जो किया मुझे थोड़ा स्टूपिड लगा. देखो अमनी, इससे अच्छा दुपट्टा हम खरीद सकते हैं ना, तो ये नाटक करने की क्या जरूरत थी. और वैसे भी इसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, इसे दोबारा पहनना भी मत, तुम्हें सूट भी नहीं करता. तुम ठीक कह रहे हो, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसे मुझे देने के लिए समर्थ ने कितना कुछ किया. रिंग में उतरा, एक मोटे पहलवान के साथ उसने फाइट किया, इसे तो मैं हमेशा अपने पास रखूंगी. अवनी, रिंग में उतरना और एक्चुअल फाइट करना बहुत अलग बात होती है. वो रिंग में उतरा था लेकिन उसने फाइट कहा कि है? इतनी बॉडी क्या एग्जीबिशन लगाने के लिए बनाई है? तुमने देखा नहीं वो कैसे उसके कान में कुसर पुसर कर रहा था? आई एम श्योर उसने कुछ तो बोला होगा. उसे क्या बोला होगा पता नहीं, तुम सोचो. अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, फिर अपनी को सैम के बारे में सोचने को कह दिया. भाई वाह, क्या बात है, दोनों की पसंद अभी से मिलती जुलती है. चलो भाई अब तो यही फिल्म देखेंगे. चलो भाई अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ. दिनों बाद कहा है मैंने तुझे गोलू मोलू. हाँ हाँ बहुत बड़ा हो गया ना. नई चीजें दिखाते हो ना, आज मैं तुम्हें एक नई चीज दिखाऊंगी. अवनी, ये रोमांटिक मूवीज ना लड़कियां देखती है, हम लड़के तो एक्शन मूवीज देखते हैं या फिर सस्पेंस थ्रिलर्स देखते हैं. नहीं राज, समझ को भी फिल्म पसंद है. कहने दो अवनी, तो इंप्रेस करने के लिए सब बोल रहा होगा. लिख के ले लो, उसे मूवी देखनी होगी. भाई ये साइलेंट मूवी चल रही है क्या, 5 मिनट हो गए आवाज ही नहीं आ रही. भाई राज, साउंड सिस्टम तूने लगाया था ना, क्यों नहीं आवाज आ रही? राज, जैसा मैंने बोला था कनेक्शन वैसे किया था ना. किसी भी कीमत पर बुआ जी को मत भेजना. अगर तुम वाकई मेरी हेल्प करना चाहती हो तो प्लीज अपनी फ्रेंड से कहो कि ये बंगलो किसी और को भेज दे. क्यों, उड़ गए ना आपके होश? बहुत होशियार समझती है ना अपने आप को. अब आप भी देखना, अगर मैंने भी उसे सीधा नहीं किया ना
तो मेरा नाम भी सावरी नहीं। नहीं सावरी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जो कुछ भी हुआ उसमें अर्पिता की कोई गलती नहीं है। प्रताप जी, ये सब सच जानने के बाद भी आप उस अर्पिता का साइड ले रहे हो? सच जानता हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, तुम्हें गुस्सा अर्पिता पे नहीं मुझ पर होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, मेरी को समझ में नहीं आ रहा है। अर्पिता ने मेरे ही कहने पर कविता को बंगलों की डील कैंसिल करने को कहा था। हमारे घर के पेपर्स गिरवी है सावरी उनके पास। और फिर जब तुमने कविता का बंगलो खरीदने की जिद की तब मैंने अर्पिता की मदद ली और वो डील कैंसिल करवाई। सावरी, हमें अर्पिता और उसकी फैमिली का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने अभी तक ये राज राज ही रहने दिया। एक सेकंड में उसे छोड़कर मेरे पास भागते हुए आ गई। इसका ये मतलब हुआ कि अवनी मेरी बहुत फिक्र करती है। आज अवनी ने बता दिया कि उसके लिए समर्थ नहीं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, सिर्फ मैं। थैंक यू कान्हा जी, एक झटके पे आपने मुझे रियलाइज करा दिया। जितनी परवाह मैं अवनी की करता हूं उतनी परवाह वो ही मेरी करती है। वो मेरे दर्द को समझती है, मेरी बहुत फिक्र करती है वो। हाँ, फिक्र तो है उसे तुम्हारी। कान्हा जी ने ये रियलाइज कराया तुम्हें और अब तुम्हें उसे ये रियलाइज कराना है कि उसकी ये फिक्र, ये कंसर्न असल में यही तो प्यार है। हर्षिता, राज को क्या हुआ? मम्मी जी, राज को शॉक लग गया। शॉक लग गया कैसे? राज तुम ठीक हो ना? आंटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर घूम रहा है। एक बार हमारी क्लास में एक लड़की को शॉक लगा था, तब मैम ने उसे बिस्किट और गुलगुस पिलाया था। चमन हटो ना, राज पियो ये। मैं पिला रही हूँ ना तुम्हें, तुम पियो। ऐसे कैसे तुम्हें शॉक लग गया, ध्यान रखना चाहिए ना। ये लो, ये खाओ। बिस्किट और चाहिए? बिस्किट मैं ठीक हूँ अम्मी। पक्का? थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी तबीयत ठीक है? अभी मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए, घर जाके आराम करो। मैं आभास को बोलती हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। अर्पिता, आभास को बुला लो। माँ, मैं भी साथ में जाती हूँ ताकि सब ठीक रहे। कोई बात नहीं अम्मी, राज को मैं छोड़ा। नहीं समय तो सो के मैं जा रही हूँ ना राज के साथ। कोई नहीं जाएगा, आभास को रास्ता मालूम है, आभास जाएगा। चलो राज, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूँ। राज प्लीज अपना ध्यान रखना, ठीक है? और सुबह जॉगिंग में तो गलती से भी मत जाना और टाइम से खाना खा लेना, ठीक है? घर पहुंचते से ही मुझे कॉल करना या मैं तुम्हें कॉल करूंगी। और अब मैं जीजा जीजू को बोल दूँ? हाँ नहीं राज, मैं उन्हें बोल देती हूँ ताकि वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो और तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे कॉल करना, मैं और आप अगले रात को तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है? प्लीज राज अपना ध्यान रखना प्लीज। देख अपनी, मैं जानती हूँ राज तेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो अच्छा लड़का भी है, लेकिन अब समर्थ आ गया है। मैं चाहती हूँ तू राज से ज्यादा समर्थ पे ध्यान दे। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देख बेटा, राज सिर्फ तेरा एक दोस्त है, लेकिन समर्थ, समर्थ से तेरे रिश्ते की बात चल रही है बेटा, इसीलिए तो वो यहाँ पे आया है ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, एक दूसरे को समझो। तुम दोनों ने मिलकर लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और मैं नहीं चाहती कि राज के साथ तेरी दोस्ती इस डिसीजन के आड़े आए। माँ, आपको क्या लगता है, समर्थ को मेरे और राज की फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम होगी? मैं जैसी हूँ उसे मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तेरी बात समझती हूँ, लेकिन तू ये भी तो सोच, उसने तो पहले ही तुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है ना, इसीलिए तो वो राज के साथ इतना वक्त बिताता है। तेरे दोस्त को उसने अपना दोस्त बना लिया है, लेकिन अब तुझे भी समझना चाहिए कि राज से ज्यादा समर्थ पे ध्यान देना है। बेटा, दोस्ती कहीं नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है कि तू समर्थ के साथ उसके घर जाए, उसकी पत्नी बनकर।
तुझे मुझ पर भरोसा है ना? Of course, सबसे ज्यादा। देख अभी, मैंने तुझ पर कभी भी कोई बात नहीं थोपी है। हमेशा तुझे समझने की कोशिश की और अपनी बात तुझे समझाने की कोशिश की है। बस यही उम्मीद करती हूँ कि अब भी मैंने तुझे जो कुछ भी कहा तो समझ गई होगी। अब रात बहुत हो गई है, सो जा। बहुत खूबसूरत, यहाँ का जो सुकून है, काश कि वो हमारे मुंबई शहर में भी आ जाए। और आपका अचानक जयपुर आना कैसे हुआ? एक्चुअली मैं यहाँ अपने किसी पर्सनल काम से आया हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। आपके टीवी शोज के बारे में कुछ बताइए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं टीवी शोज परिवार के लिए बनाता हूँ और इंडिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ टीवी शोज नहीं देखे जाते, और प्रोड्यूसर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अच्छी अच्छी कहानियां बनाऊं ताकि सारा परिवार एक साथ बैठकर देखे और सीखे। जैसी फैमिली वैल्यूज पे आप आपके टीवी शोज दिखाते हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि आज भी हमारे परिवार में, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं? और आपको ये इंस्पिरेशंस कहां से मिलती हैं? हर तरफ से, बस आंखें खोल कर रखने की जरूरत है। अब जैसे कि इन्हें ले लीजिए। यह है सुकेत अंकल, मिस्टर सुकेत खंडेलवाल। हाय। मेरे नए शो की कहानी मुझे इनसे ही मिली है। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक फैमिली मैन है। इनकी संस्कृति, इनके संस्कार इनके लिए बहुत मायने रखते हैं और जिनके साथ इन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया, और इनके बेटे अक्षत जो बिल्कुल इनकी तरह है। आप इनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। श्योर। समर्थ जी, जैसे फेमस टीवी प्रोड्यूसर ने आपकी अभी अभी इतनी तारीफ की है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने काम को और परिवार को बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक समझदार बिजनेसमैन हमेशा एक अच्छा पार्टनर ढूंढता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे घर। इसका मतलब आप इस बात में बिलीव करते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है? डेफिनेटली। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, उसमें मेरी वाइफ भावना का बहुत बड़ा हाथ है। और अक्षत, आप नई जनरेशन के हैं, क्या आपको भी यही लगता है कि आपकी सक्सेस के पीछे आपकी वाइफ का हाथ है? नहीं, मेरी इस बारे में राय कुछ अलग है। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम किया है और जो कुछ भी सीखा है, वो मैंने अपने डैड से सीखा है। हमारे डैड ने हमेशा हमें सिखाया है कि पूरी सिंसेरिटी से हार्ड वर्क कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और इसीलिए आज मैं जो कुछ भी हूँ वो डैड के कारण ही हूँ। माफ कीजिएगा, वो अक्षत की शादी में वो पूरा टाइम अवनी के साथ था ना, इसलिए मुझे लगा। प्लीज माइंड मत कीजिएगा, आई एम सॉरी। मिसेस बहेदी, प्लीज आप इस तरह गैस वक्त तो मत कीजिए। माफ कीजिएगा भावना जी, सॉरी जी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। बस जरा सी बात का पहाड़ बना देती मिसेस बही की भी, जहाँ मौका मिला नहीं गॉसिप करना शुरू कर दिया। देख लो भाभी, क्या समझ रहे हैं लोग। जाने दो ना, कोई गलत फहमी हो गई होगी। नहीं भाभी, जयपुर में कितनी इज्जत है हमारे खानदान की, हमारी लड़की का नाम तो बिना वजह खराब हो रहा है ना। आज भाभी शहर वाले ये बात कर रहे हैं, कल को अगर लड़की वालों के कानों में कोई बात पड़ गई तो जबरदस्ती का नाटक हो जाएगा। ऐसी बातें मत कहो, मैंने अपनी को समझाया है, वो इन बातों का ख्याल रखेगी। नहीं भाभी, जिस तरह से आप समझाते हो सामने वाले के कान में जू तक नहीं रहेंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा जी। हाँ राज, मैं नहीं चाहती कि तुम अब से हमारे घर पर आओ। ये बुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई तो आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप मना क्यों कर रही हो? अवनी की वजह से। अवनी की वजह से? क्या अवनी मुझसे नाराज है? उसने कुछ कहा आपसे? अवनी ने कुछ नहीं कहा। अवनी तो अभी बच्ची है, नादान है वो, लेकिन मैं अवनी की बुआ और उसका भला और बुरा देखना मेरा फर्ज है। तो आप ये कहना चाहती है कि आपके यहाँ मेरा आना
अवनी के लिए अच्छा नहीं है। देखो राज, तुम्हारी जो अवनी के साथ दोस्ती है उसकी वजह से लोग हमारी अवनी के बारे में ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। लोगों को तो ये लगता है कि तुम्हारा और अवनी का अफेयर चल रहा है, और वैसी कोई भी बेफालतू की बात हमारी अवनी के बारे में नहीं सुनना चाहती बस। लेकिन बुआ जी, मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ होने भी नहीं। तुमने कुछ नहीं किया राज, लेकिन जो तुम वक्त बेवक्त हमारे घर आ जाते हो, लोग तो गलत बातें सोचेंगे ही ना। देखो राज, समर्थ जैसे अच्छे लड़के के साथ अवनी के रिश्ते की बात चल रही है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी अफवाह की वजह से ये रिश्ता टूटे। इसलिए अवनी के लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम उससे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। नहीं, 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 नहीं बुआ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आपका इंटरव्यू अच्छा लगा, जिस तरीके से आपने कहा, इट वाज नाइस। अब पी लीजिए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। जी। क्या हुआ? आप ये कैसे पीते हैं? बहुत कड़वी होती है ना? कड़वी होती है, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल करेले की तरह। यू, करेला? मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ भी कहती है करेला खाओ। एनीवेज, मैं जाती हूँ, आपके सोने का टाइम हो गया ना। अवनी, आज पहली बार आपने मुझसे कितनी देर तक बात की। समर्थ, आई एम सॉरी, मैं जब तक किसी को अच्छे से पहचान नहीं लेती, उससे घुल मिल नहीं पाती। जान पहचान बढ़ाने के लिए बात करना तो जरूरी है ना, बस यही एक प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सलूशन है। क्या? देखिए, बातों से बात निकलती, और बात करने का सबसे अच्छा तरीका है लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव पे तो मैं बहुत बातें करती हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, आप कल मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगी और मुझे अपना सारा शहर घुमाएगी, और फिर बातों से बात निकलेगी और जान पहचान भी बढ़ेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। ग्रेट, ठीक है। अभी काफी लेट हो गया, मैं जाती हूँ। गुड नाइट। अवनी, आप कुछ चाहिए? कब देना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक मिनट के लिए चुपचाप खड़ी हो जाए। एक्चुअली मेरे पास आपका एक भी फोटो नहीं था, इसलिए क्लिक किया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? How are you? Very good. आप कैसे हो? I'm good. Happy? Yes. कैसा मेरा बच्चा? First class. आप कैसे हो? बिल्कुल. चलो. नमस्ते. नमस्ते. कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं. आप कैसे हैं? बढ़िया. चलो ना अंदर. एक मिनट. इसके पहले कि आप लोग अंदर जाके सबसे मिले, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ. क्या हुआ सामरी जी? सब कुछ ठीक तो है ना? भाई साहब, मैं जानती हूँ कि मेरे पति पर आपका कर्ज है, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसकी वजह से अर्पिता ने कविता से कहा था कि वो हमें अपना बंगलो ना बेचे। ये तो अच्छी बात है कि आपको मालूम चल गया, हम अब इस पे ओपनली बात कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आप सब ये जानना चाहते होंगे कि आप लोगों को आपके पैसे कब वापस मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, नहीं सावरी जी, आप अभी क्या कह रही हैं? उल्टा मैं तो चाहता हूँ कि अगर आपको ये बात मालूम चल चुकी है, तो आप प्रताप जी को कन्विंस कीजिए कि वो मुझसे घर के पेपर्स वापस ले लें। हम सब तो एक परिवार का हिस्सा हैं। मैं आपका घर गिरवी कैसे रख सकता हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, घर के पेपर्स तो हम आपसे वापस लेकर ही रहेंगे, लेकिन
कर्ज चुकाने के बाद मैंने एक सूट केस में आपके सारे पैसे तैयार रखे, अगर आप चाहें तो पूरे पैसे गिन लीजिए। सावरी जी कैसी बातें कर रही हैं आप, इस तरह से इतना पैसा क्यों? ठीक है ठीक है, मैं मैनेजर को बोल देता हूँ, वो घर के पेपर्स वापस ले आएगा। इट्स ऑल राइट। एक और बात, मैं आपसे ये बात यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में से किसी को भी इस बारे में कुछ पता चले। अब तक ये बात सिर्फ हमारे बीच ही हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि सिर्फ हमारे बीच ही रहे। ऑफ कोर्स, आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। आइए। मेरे दिमाग की बंद से गुल्ली से बस चार गोलगप्पे में मन हर गया होगा। ये हवा महल के बाहर मेरा फेवरेट गोलगप्पे वाला है, ना मेरी फ्रेंड और देविका हम लोग हमेशा यहाँ खाते हैं। नो ना चटपटा चटपटा इतना पसंद है आपको? अब जब मुंबई आएंगी ना तब मैं आपको ना भेल और पाव भाजी खिलाऊंगा। वाओ पाव भाजी, आई लव पाव भाजी। पर मैंने सुना है कि मुंबई में वड़ा पाव फेमस है। अब मुंबई आ चुकी हैं? आई तो नहीं हूँ लेकिन आना चाहती हूँ। मुझे ना मुंबई में वो खचाखच भरी वाली लोकल ट्रेन से देखनी है, मुझे तो इतना डर लगता है, लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे उसमें। तो मुझे जू बीच देखना है, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना है, शाहरुख खान का बंगलो देखना है और और कुछ नहीं। प्लीज अवनी बताइए ना, और क्या देखना है आपको वहाँ? एक्चुअली मैंने ना मुंबई की नाइट लाइफ के बारे में बहुत सुना है, वहाँ पे बहुत सारे डिस्कोथेक्स और क्लब्स है। मैंने ये सब सिर्फ टीवी सीरियल्स में देखा है, मैं कभी किसी नाइट क्लब में नहीं गई। जब मैं मुंबई जाऊंगी ना तो तब मुझे किसी नाइट क्लब में जाना है। समर तो ये कहाँ आ गया? नाइट क्लब। व्हाट? नाइट क्लब? आपने कहा था कि आपका नाइट क्लब जाने का बहुत मन है, इसलिए अब आपको अपनी छोटी सी विश पूरी करने के लिए मुंबई जाने का वेट करने की कोई जरूरत नहीं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे नाइट क्लब्स हैं, अब आप मैं हूं तो फिर वेट किस बात का? अब जस्ट मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं चेक करके आता हूँ कि ये आपके लायक है या नहीं। मैंने समझ से सिर्फ एक बार कहा कि मैं नाइट क्लब जाना चाहती हूँ और मुझे डायरेक्टली यहाँ लिया है। इसका मतलब है कि मेरी विश पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले वो दुपट्टा और अब ये नाइट क्लब। आई कांट बिलीव कि मैं एक नाइट क्लब में हूँ। मैं राज को कॉल करके बताती हूँ। इतने सारे मिस कॉल्स? अपनी जगह तो मेरा फोन नहीं उठाओगी, मैं तुम्हारा नंबर डायल करता रहूंगा। ये आज किसके साथ इतना बिजी है? किसे फोन करें? वो मैं राज को कॉल करी थी, मैंने सोचा कि वो भी हमें ज्वाइन कर लेगा। क्या आज हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं बिना फ्रेंड्स के और खासकर बिना राज के? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।